सभी दोस्तों को मेरी नमस्ते और मैं हूं आपका दोस्त पंपी कत्याल, मुल्तानी हिंदुस्तानी। आज हम फुट शिलिंग में होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करने के बाद थिम्पू की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये फुट शिलिंग से थिम्पू की जो हमारी ड्राइव है ये बहुत ही पैनोरामिक सीनिक ब्यूटी वाली ड्राइव है और हम इंडिया के प्लेन्स की तरफ से भूटान की फुट हिल्स पर होते हुए सुंदर पहाड़ शहर और फॉरेस्ट के बीच से होते हुए और रास्ते में बहुत सारे भूटान के विलेजेस को देखते हुए थिम्पू तक का सफ़र तय करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और साथ में सुनते हैं भूटान का रोमांटिक म्यूज़िक। ऑन द वे अब हमें रास्ते में एक जगह हॉल्ट लिया है जहाँ पर के हमें रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और मज़े की बात यह है कि हमें यहाँ पर इंडियन फूड खाने को मिल गया, दाल रोटी सब्जी जो हमने एक सुहाने मौसम में बहुत ही एंजॉय करते हुए खाया और इसके बाद आगे का सफ़र फिर हमारा शुरू होता है। भूटान के एंट्री पॉइंट पे थिम्पू के एंटर करने से पहले हमको भूटान के जो किंग और क्वीन हैं उन दोनों का फोटोग्राफ मिला जिसको देख करके हमको अच्छा लगा कि वो वेलकम के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर भूटान के किंग और क्वीन का लगा हुआ है। Shimlu Jimbo Pa
हमारी ये थिम्पू तक की जो ड्राइव है वो रास्ते में कई विलेजेस टाउन से होकर के निकली, और रास्ते में जो जगहें आती हैं उनका नाम है गेडू, चुक्का और कुजान। और उससे पहले हम जब थिम्पू में एंटर करते हैं तो हमको वहाँ पर एक मल्टी कल्चर सोसाइटी का थोड़ा सा फील आता है, क्योंकि बाकी भूटान में सब जगह बिल्कुल ही टिपिकल भूटानीज कल्चर दिखता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और भूटान की राजधानी भी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग फील आता है। और यहाँ पर हमको बहुत सारी बिल्डिंग्स भी दिखाई देती हैं जो कंक्रीट पे तो बनी हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर में भूटानीज आर्किटेक्चर की ज़रूर थोड़ी सी छाप मिलती है। और इसी ड्राइव को करते करते हम फिर होटल में जा कर के शाम को चेक इन करते हैं, और ये दिन हम रात को होटल में ही थिम्पू में। Thank you.